नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दादी माँ के बहुत ही आसान 38 बेस्ट किचन टिप्स। बहुत ही कमाल के है, जरूर सुने। नंबर वन, पत्ता गोभी में दूध के बराबर कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। नंबर दो, जो महिलाएं रात को सोते वक्त बादाम के तेल की चेहरे पर मालिश करती है उनका चेहरा हमेशा चमकदार बना रहता है और झुर्रियां भी नहीं आती है। नंबर तीन, अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो उसे पपीते के पेड़ के पत्तों का रस पीना चाहिए। नंबर चार, दालचीनी के टुकड़ों को मुंह में रखकर कुछ देर चूसने से सिगरेट की लत से छुटकारा मिल जाता है। नंबर पाँच, रोज भोजन के बाद एक लौंग खाने से एसिडिटी में आराम मिलता है। नंबर छः, प्रेग्नेंट औरत को बैंगन खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर सात, फटी हुई एड़ियों से परेशान है तो आप पीपल के पत्तों का रस लगाइए। नंबर आठ, अमरूद की पत्तियों को चबाने से मुंह से बदबू नहीं आती है। नंबर नौ, करी पत्ते के सेवन से इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नंबर दस, दूध में छुआरे उबालकर खाने से दुबला पतला व्यक्ति भी मोटा होने लगता है। नंबर ग्यारह, आँखों की अच्छी रोशनी के लिए खरबूजा खाना लाभकारी होता है। नंबर 12, कपूर को जलाकर उसका धुआं घर में करने से मक्खियां नहीं आती है। नंबर 13, नींबू का रस दिन में दो बार पीने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं और पेट साफ रहता है। नंबर 14, जो औरतें गीले बालों में कंघी करती है उनके बाल कमजोर होकर टूटने झड़ने लगते हैं, इसीलिए कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। नंबर 15, जो रोज 3-4 कच्चे लहसुन की कलियां खाने से फेफड़ों में संक्रमण या सूजन नहीं होती है। नंबर 16, गाजर के साथ कभी भी संतरा नहीं खाना चाहिए। नंबर 17, अगर आप रोज सुबह खाली पेट 30 दिनों तक लगातार एक चम्मच जीरे को पानी में उबालकर इसमें आधा नींबू का रस डालकर इसे छानकर गर्मा गर्म पियेंगे तो इससे आपके शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी और आपका मोटापा भी बहुत तेजी से कम होने लगेगा और आपकी पाचन शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 18, तरबूज खाने से दिमाग शांत रहता है और गुस्सा कम आता है। नंबर 19, एक चम्मच दही में चुटकी भर कॉफी मिलाकर चेहरे पर लगाने से रंग निखरता है। नंबर 20, पपीते को चेहरे पर लगाने से निखार बढ़ता है और पपीता खाने से पेट साफ रहता है। नंबर 21, पानी में नमक मिलाकर सभी कोनों में स्प्रे करने से मकड़ियां भाग जाती है। नंबर 22, चीकू खाने से कैंसर का खतरा कम होता है। नंबर 23, पपीता खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है। नंबर 24, सुबह खाली पेट 1 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। नंबर 25, जो लोग रोजाना खजूर का सेवन करते हैं उनकी त्वचा हमेशा साफ सुथरी और कोमल रहती है। नंबर 26, बासी रोटियां खाने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। नंबर 27, रोटियों पर घी लगाकर खाने से वजन तेजी से बढ़ता है और शरीर में ताकत बनी रहती है। नंबर 28, नीम की पत्तियों को चबाने से आपका पाचन और इम्यूनिटी क्षमता भी मजबूत होती है। नंबर 29, लीची का बीज नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके बीज जहरीले होते हैं। नंबर 30, कीवी खाने से बालों की झड़ने की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 31, हमेशा जवान दिखने के लिए मखाने का पाउडर बनाकर 1 गिलास दूध के साथ सेवन करना चाहिए। नंबर 32, यदि बुखार नहीं उतर रहा है तो पानी में गिलोय बेल उबाल कर पिए, इससे आपका बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। नंबर 33, गर्मी के मौसम में लू लगना एक आम समस्या है।
लू लगने पर रोगी को आधे चम्मच प्याज के रस में शहद मिलाकर तुरंत पिलाना चाहिए तथा रोगी के शरीर को 2-3 बार गीले तौलिए से पोंछना चाहिए। प्यास लगने पर पानी में नींबू का रस, चीनी तथा नमक डालकर पिलाना चाहिए। नंबर 34, रोजाना एक केला खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होती है। नंबर 35, तरबूज गर्मियों में शरीर को ठंडा और डिहाइड्रेशन दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 36, मूली का रस पीने से बवासीर के दर्द से राहत मिलती है। नंबर 37, गुड़ का सेवन करने से खून की कमी नहीं होती है और पाचन शक्ति भी बढ़ती है। नंबर 38, केले को दही के साथ खाने से मोटापा कम होता है और दूध के साथ खाने से दुबले पतले लोगों का वजन बढ़ने लगता है। हमारी यह वीडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले, फिर यह नियम अपनाए। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।